हेलो बच्चों, ये मैथ्स का जादू है, सर चढ़ के बोल लेगा। नई ख्वाहिशें जगाना बाकी है, नए ख्वाब सजाना बाकी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सभी सिखाना बाकी है, मैथ्स की इस माया में खो जाना तो अभी बाकी है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। बाइनोमियल का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने बाइनोमियल थ्योरम के बेसिक्स सीख लिए हैं। x प्लस वाई की पावर n को एक्सपैंड कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया है। और ध्यान रहे यार कि x प्लस वाई की पावर n जो है ना, उसमें n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो यार आगे मूव करते हैं। सबसे पहले तो मैं जो लास्ट लेक्चर में मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्मूला आपको सिखाया था, एक बार फिर से रिवाइज करा दूं, एक बार फिर से लिख दूं। ध्यान से देखिएगा और मेरे साथ यार गुनगुनाइएगा x प्लस वाई की पावर n, ठीक है ना। एक बाइनोमियल थी दीवानी सी, पीएनसी पे वो मरती थी, है ना। मैंने बताया था पीएनसी पे क्यों मरती थी। x प्लस वाई की पावर n, x प्लस वाई की पावर n, ठीक है ना। अगर अपन इसको एक्सपैंड करेंगे ना तो क्या होगा, एनसी जीरो x की पावर n y की पावर 0, है ना। एनसी जीरो x की पावर n y की पावर 0, ठीक है। ये पहली टर्म आएगी, करेक्ट है जी। उसके बाद क्या होगा, एनसी वन एक्स की पावर n माइनस 1 y की पावर 1, ठीक है, प्लस एनसी टू, है ना। x की पावर डिक्रीज होती जाएंगी, y की पावर इंक्रीज होती जाएंगी। यार ये बात समझनी है, ठीक है ना। x की पावर डिक्रीज होती जाएंगी, y की पावर इंक्रीज होती जाएंगी, ठीक है। लास्ट में यार NCN x की पावर 0 y की पावर n आ जाएगी, करेक्ट है। ये होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्मूला। आई होप आपको एकदम क्लियर होगा। और यार यहां पे लिख दूं मैं, n की वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर होती है, है ना। बार बार मैं आगे लिखूंगा नहीं, आप बाय डिफॉल्ट समझ जाना कि मैं बात कर रहा हूं n एप्सिलॉन नेचुरल नंबर का, ठीक है। अब यार यहां पे देखिए, मैं बता दूं आपको कि ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन फॉर्मूला है। आप इसी फॉर्मूला को देख करके ना x माइनस वाई की पावर n का एक्सपेंशन फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई की पावर n का एक्सपेंशन फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये जो बात है इसको यहां पर लिख दे रहा हूं, वेयर एन इज नेचुरल नंबर, ठीक है, वेयर n is a natural number, यूं करके लिख देते हैं इसको, ठीक है जी, करेक्ट है। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि ये जो एक्सपेंशन मैंने लिखा है ना, ये x plus y की पावर n का एक्सपेंशन, भाई तुम ध्यान से देखो, ये x plus y की पावर n का एक्सपेंशन फॉर्मूला है। अगर यार अपन x minus y की पावर n का एक्सपेंशन फॉर्मूला अगर देखें क्या होगा, तो देखिए कुछ नहीं करना आपको, आपको y की जगह यहां माइनस y रखोगे ना तो राइट साइड में क्या इंपैक्ट आएगा यार। y की जगह यहां माइनस वाई रखेंगे तो यार y की पावर 0 भी 1 होता है, माइनस y की पावर 0 भी 1 होता है, तो इस टर्म में तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, मेरी बात ध्यान से सुनो आप, मैं क्या कर रहा हूं, मैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में y की जगह पे माइनस वाई रख रहा हूं, माइनस वाई रख रहा हूं y की जगह पे। यार रख सकते हैं, अगर आप लेफ्ट में y की जगह माइनस वाई रखोगे तो राइट में भी रखना पड़ेगा, तभी लेफ्ट साइड और राइट साइड यार बराबर हो पाएंगी, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं रिप्लेस कर रहा हूं y की जगह पे माइनस वाई, है ना। तो लेफ्ट हो गया x माइनस वाई की पावर n, ठीक है। राइट कितना हो गया, y की जगह माइनस वाई जब रिप्लेस करोगे ना यार आप, तो जो y की ओल्ड पावर्स है ना वहां पे फर्क देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि y की जगह माइनस वाई रिप्लेस करोगे ना यार यहां पे, तो यहां हो जाएगा माइनस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन वाई की पावर 1। यहां पे y की जगह माइनस वाई रखोगे तो y का स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर सेम होता है, यहां फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो आगे हो गया एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यार ये अपने को समझना है कि नेक्स्ट टर्म जो है वो हो जाएगी माइनस एन सी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री वाई क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है।
यूं करते हुए आप यहां पे देखिए वाई की जब ओड पावर है तो उसके उस टर्म के आगे माइनस का निशान आ रहा है, वाई की जब इवन पावर है ना तो उस टर्म के आगे क्या आ रहा है, प्लस का निशान आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट में वाई की पावर एन है, तो यार एन की वैल्यू ओड भी हो सकती है इवन भी हो सकती है, तो यहां पे लिख दिया मैंने माइनस वन की पावर एन एन सी एन एक्स की पावर जीरो और वाई की पावर एन, है ना। यहां पे जब वाई की जगह माइनस वाई रखोगे ना, वाई की जगह माइनस वाई रखोगे, देखो माइनस वाई जब आप रखोगे तो माइनस वन की पावर एन और वाई की पावर एन ऐसा लिख सकते हो। तो माइनस वन की पावर एन को मैंने यहां लिख दिया, वाई की पावर एन को मैंने पीछे लिख दिया, करेक्ट है। तो यार जब अपन y की जगह माइनस वाई रिप्लेस करते हैं तो मेरे को x माइनस वाई की पावर n का एक्सपेंशन मिलता है, आपके सामने है x माइनस वाई की पावर n का एक्सपेंशन मिलता है, एन सी जीरो एक्स की पावर n y की पावर 0 माइनस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन y की पावर 1 प्लस सो ऑन यू करते हुए। यहाँ पे प्लस माइनस साइन यार ऑल्टरनेट चलते हैं, आप ये बात देख सकते हो, ठीक है। और यार n जो है वो नेचुरल नंबर है, ये बात बार बार लिखनी नहीं चाहिए, आप जो है इसको अंडरस्टूड मान के चलना, बट फिर भी आपकी सहूलियत के लिए यार मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना भाई। ये तुम्हारा कुछ छोड़ नहीं सकता है ना, छोड़ने का मन नहीं करता, लिख देता हूं मैं कि मेरे बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं कहीं, ठीक है। तो यार ये दोनों फॉर्मूले सबसे पहले आपको बता दूं कि याद होने चाहिए, ठीक है। ये वाला एकदम भन्नाट तरीके से आप याद कर लीजिए, x प्लस वाई की पावर n, और यार ये x माइनस वाई की पावर n का फॉर्मूला भी आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो यार ये सबसे पहली बात है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहली प्रॉपर्टी ही मतलब लिख दी मैंने, इसका एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए, बात समझ में आ रही है, इसका एक्सपेंशन आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब एक और बात बताता हूं मैं आपको, ये जो लिखा है ना आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्मूला, इसको लिखने का यार एक और अंदाज भी होता है, आपको अगर याद होगा तो मैंने सिग्मा पे एक स्पेशल लेक्चर लिया था, है ना, उसमें मैंने सिग्मा सिखाया था आप लोगों को। तो यार सिग्मा का इस्तेमाल करके, ध्यान से सुनना, सिग्मा का इस्तेमाल करके इस एक्सपेंशन फॉर्मूला को लिख सकते हो। यार आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, सिग्मा सिग्मा आर इक्वल टू वन से एन एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर, आर इक्वल टू जीरो से जीरो से एन, है ना, आर इक्वल टू जीरो से एन, आर इक्वल टू जीरो से एन एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर, है ना। यार देखिए अगर मैं लिख दूं सिग्मा आर इक्वल टू जीरो से एन एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर, तो यार इसको जब एक्सपेंड करें तो आर की वैल्यू जब जीरो रखोगे ना आप, आर की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये वाली टर्म मिल जाएगी आपको, आर की वैल्यू वन रखोगे तो ये वाली टर्म मिल जाएगी, आर की वैल्यू टू रखोगे तो ये वाली टर्म मिल जाएगी, यूं करते करते आर की वैल्यू जब एन रखोगे तो ये वाली टर्म मिल जाएगी। तो यहां से आप देख सकते हो कि ये वाला जो क्वांटिटी है जो समेशन सिग्मा का इस्तेमाल करके लिखी हुई है, इसका एक्सपेंड करते हो तो यार यही क्वांटिटी आती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि x प्लस वाई की पावर n को अगर कोई यूं लिखना चाहे, सिग्मा r इक्वल टू जीरो से n ncr x की पावर n माइनस r इंटू वाई की पावर r, ऐसे कोई लिखना चाहे तो यार लिखा जा सकता है, करेक्ट है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि यहां पे नीचे ये जो एक्सपेंशन लिखा है x माइनस वाई की पावर n, ठीक है, इसको अगर आप समेशन का इस्तेमाल करके लिखना चाहो तो समेशन r इक्वल टू जीरो से n, है ना, माइनस वन की पावर r एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर, यूं लिख सकते हैं। थोड़ा यार दिमाग पे जोर डालिए और समझने का प्रयास कीजिए कि यूं लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है। आप इजीली यहां से समझ सकते हैं कि आर इक्वल टू जीरो जब पुट करोगे तो आपके सामने पहली टर्म आ जाएगी, आर इक्वल टू वन पुट करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा, और उसके आगे देखो एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई की पावर वन आ जाएगी। ये क्वांटिटी आर की वैल्यू जब इवन ओड है उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस का साइन देती रहेगी ना, ऑल्टरनेट प्लस माइनस के साइन आते रहेंगे, करेक्ट है। तो यार x माइनस वाई की पावर n के एक्सपेंशन को समेशन सिग्मा का इस्तेमाल करके लिखना हो तो भी लिखना आना चाहिए, और डायरेक्ट यार यूं लिखना तो तुमको आ ही गया है, करेक्ट है जी। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ना बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्मूला, इसको स्टैंडर्ड बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्मूला माना जाता है। क्या माना जाता है बोलो, सारे बोलो क्या माना जाता है, स्टैंडर्ड एक्सपेंशन, बोला करो मेरे साथ साथ यार, ठीक है ना, बातचीत कर लिया करो ना मेरे से, स्टैंडर्ड बाइनोमियल फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड बाइनोमियल फॉर्मूला। तो यार मैं लिख देता हूं, दिस इज बेसिकली स्टैंडर्ड
बायनोमियल स्टैंडर्ड बायनोमियल फॉर्मूला। क्या है ये है यार स्टैंडर्ड बायनोमियल फॉर्मूला। क्या है स्टैंडर्ड बायनोमियल फॉर्मूला? यार देखो, चीजों को स्टैंडर्ड तब बोला जाता है जब उनका इस्तेमाल करके बाकी सारी चीजें जो है ना वहीं से डिराइव की जाए या फिर वो एक रेफरेंस पॉइंट की तरह ट्रीट किया जाए, है ना। तो मैं ये बोल रहा हूं कि बाकी जितनी भी चीजें बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में अपन स्टडी करने वाले हैं वो इसको पिक करके स्टडी करेंगे। मतलब अगर ये समझ में आपको आ जाती है ना यार तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो इसको अपन स्टैंडर्ड बाइनोमियल फॉर्मूला मानते हैं, ठीक है। मतलब स्टैंडर्ड लुक है स्टैंडर्ड बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड बाइनोमियल थ्योरम है या स्टैंडर्ड बाइनोमियल फॉर्मूला है, ठीक है। स्टैंडर्ड बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना। बात समझ में आ रही आपको? तो यार देखिए सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं अपन, प्रॉपर्टी नंबर टू। मैं प्रॉपर्टी नंबर टू में क्या बोल रहा हूं तुमको कि x प्लस वाई की पावर n मालूम चल गया, x माइनस वाई की पावर n मालूम चल गया। अगर यार मैं इन दोनों को ना प्लस कर दूं तब क्या होगा और इन दोनों को माइनस कर दूं तब क्या होगा, ये बताइए मेरे को। अगर मैं x प्लस वाई की पावर n में x माइनस वाई की पावर n कर दूं तब क्या सीन होगा, और यार x प्लस वाई की पावर n में माइनस कर दूं ना x माइनस वाई की पावर n तब क्या सीन होगा, ये बात मुझको बताइए यार। ये आप मुझको बता दें कि x प्लस वाई की पावर n में x माइनस वाई की पावर n को प्लस कर दिया तब क्या होने वाला है, और x प्लस वाई की पावर n में x माइनस वाई की पावर n माइनस कर दिया तब क्या होने वाला है। यार जब आप प्लस करोगे ना, जब आप प्लस करोगे तो देखिए क्या होगा, ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी, है ना, और थर्ड वाली फिर इससे कैंसिल हो जाएगी, और y की जो इवन पावर वाली टर्म्स है ना इसको इसको प्लस करोगे तो टू टाइम्स हो जाएंगे, है ना, टू टाइम्स ऑफ दिस प्लस टू टाइम्स ऑफ दिस। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, y की जो इवन पावर वाली चीजें हैं वो जो है ना वो वाली टर्म्स तो बच जाएंगी, ओड वाली कैंसिल हो जाएंगी। तो यार ये साफ है कि जब हम प्लस करेंगे ना तो टू टाइम्स हो जाएगा, है ना, और टू टाइम्स किसका होगा, एन सी जीरो एक्स की पावर एन वाई की पावर जीरो, वाई की जो इवन पावर्स वाली टर्म है ना उनका टू टाइम्स हो जाएगा, एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई की पावर टू, है ना, यूं करते हुए। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और यार एक बात देखिए, जब दिस माइनस दिस करते हैं ना तो यहां माइनस का निशान लगेगा, यहां प्लस का, यहां माइनस का, यहां प्लस का, और अब देखिए प्लस कर, अब देखिए ये वाली कैंसिल हो जाएगी, है ना, और ओड वाली जो टर्म्स हैं वो डबल हो जाएंगी, वाई की जो ओड पावर्स है ना वो वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। तो यार ये बात एकदम इजीली देखी जा सकती है कि जब x प्लस वाई की पावर n में से माइनस करते हो x माइनस वाई की पावर n तो ट्वाइस हो जाएगा, एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन वाई की पावर वन, एन सी थ्री एक्स की पावर n माइनस थ्री वाई की पावर थ्री, एंड सो ऑन। बात समझ में आ गई? तो यार ये देखिए, है ना, इन दोनों एक्सपेंशंस को प्लस करना और माइनस करना आना चाहिए आपको डायरेक्टली एकदम, ठीक है ना, मालूम चल जाना चाहिए, फील आ जानी चाहिए, करेक्ट है। अब यार देखो और चीजें एनालाइज करते हैं, और चीजें एनालाइज करते हैं। हाँ, यहाँ पे ये जो x प्लस वाई की पावर n का जो एक्सपेंशन है ना इसको वापस लिख रहा हूं मैं, है ना, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में एक बार यार मैं इसको वापस लिख रहा हूं, ठीक है ना, है ना, ये बड़ा मेरे को मजा आता है वापस लिखने में, है ना, यार आपको भी मजा आना चाहिए। x प्लस वाई की पावर n को जितनी बार लिखोगे ना मतलब उतना ही सुंदर लगेगा ये आपको, है ना, मुझे तो बहुत सुंदर लगता है ना, रात को जो है बड़ा मजा आता है इसको साथ में लेकर के सोने में, है ना, x प्लस वाई की पावर n के एक्सपेंशन को, ठीक है यार, बड़ी मस्त चीज है ये, ठीक है। अब देखिए एन सी एन एक्स की पावर जीरो वाई की पावर एन, ठीक है ना, ऐसा कुछ सीन है ना यार, है ना, इस एक्सपेंशन को आप ध्यान से देखिए, है ना, इसको बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस एक्सपेंशन को ना बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर लूंगा इसको, कॉपी कर लेते हैं यार, है ना, देखते हैं आगे, पेस्ट करते रहेंगे बार बार कंप्यूटर जी का इस्तेमाल करेंगे अपन, ठीक है ना हाँ यार मुझे बताइए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये मेरी इच्छा है जानने की, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है मेरे को बस आप इतना बता दीजिए, तुम्हारा भाई जो है धन्य हो जाएगा। तुम्हारे भाई को आप ये बता दीजिए कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है,
नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं ये आप बता दीजिए यार, एकदम मजा आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स, मुझे एक बात बताएं, x प्लस वाई का स्क्वायर जो है ना वो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। कितनी टर्म्स हैं? थ्री टर्म्स हैं। x प्लस वाई की पावर थ्री देखोगे ना यार, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, कितनी टर्म्स हैं? फोर टर्म्स हैं। पावर थ्री है तो फोर टर्म्स हैं, पावर टू है तो थ्री टर्म्स हैं, पावर फोर होगी तो फाइव टर्म्स हैं, पावर फाइव होगी तो सिक्स टर्म्स मिलेंगी, पावर सिक्स होगी तो सेवन टर्म्स मिलेंगी, पावर हंड्रेड होगी तो 101 टर्म्स मिलेंगी। मतलब जितनी पावर है उससे एक फालतू उतनी टर्म्स होती हैं, है ना। मतलब यहां पे देखिए आप, पावर कितनी है यार, यहां पे पावर है एन। मेरी एक बात ध्यान सुनना, यहां पे पावर कितनी है एन। टर्म्स काउंट करोगे ना आप, टर्म्स काउंट करने के लिए देखो मैंने यहां पे रेफरेंस लिया वाई की पावर को। देखिए मैं मानता हूं कि यार ये पहली टर्म है, ये एक हो गई, ये टू हो गई, फिर थ्री हो गई, करते करते एन हो गई। यार ये समझने वाली बात है कि एन टर्म्स तो देखिए ये हो गई, एन टर्म्स तो ये हो गई, और एक एक्स्ट्रा मैंने काउंट ही नहीं करी, तो यार सीधी बात है एन प्लस वन टर्म्स है। कितनी टर्म्स है? एन प्लस वन टर्म्स है। कितनी टर्म्स है? एन प्लस वन। ये बात आपको समझनी है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कोई पूछ ले x प्लस वाई की पावर n में तो कितनी होती है? n प्लस वन टर्म्स होती हैं, ठीक है। मैं देखिए रेफरेंस के लिए यहां पे x प्लस वाई की पावर 100 लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया x प्लस वाई की पावर 100, ठीक है। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे ना तो 100 सी जीरो, एक्स की पावर 100, वाई की पावर 0, 100 सी वन, एक्स की पावर 99, वाई की पावर 1, 100 सी टू, एक्स की पावर 98, वाई की पावर 2, यूं आप करते जाइए, यूं आप करते जाइए, लास्ट में 100 सी 100 आ जाएगा, एक्स की पावर 0, वाई की पावर 100। आप इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताइए कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स बताइए कितनी है यार, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? सीधी बात है एन की वैल्यू 100 है तो 100 प्लस 1 कितना हो गया? 101 टर्म्स होंगी। कैसे मालूम चला? यार देखिए पावर्स को देखिए, खोपड़ी देखिए वाई की, वाई की खोपड़ी देखिए आप, वाई की खोपड़ी 1 है, वाई की खोपड़ी 2 है, 3 4 फिर 100 है, तो यार 1 2 3 4 100 तो ये हो गई यार, और एक ये हो गई यार, टोटल कितनी हो गई? 101। यहां पे देखिए आप कि 0 से लेकर के 100 तक कितने नंबर्स होते हैं? 0 से लेकर के 100 तक यार 101 नंबर्स होते हैं। कितने होते हैं? 101 नंबर्स होते हैं। तो काउंट कर लिया, ठीक है, n प्लस 1 टर्म्स होंगे, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए यार, आप यहां पे ये तो समझ में आ गया नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 है। यहां पे नोटिस करो यार, हर टर्म में ना अगर मैं x की पावर और y की पावर को ऐड कर दूं तो n और 0 को ऐड करोगे तो n हो गया, ठीक है। यहां पे देखिए अगर आप x और y की पावर को ऐड कर देते हैं ना तो सब जगह n आ रहा है ना, n माइनस 2 और 2 को ऐड करेंगे तो n आएगा, n माइनस 1 और 1 को ऐड करेंगे तो n आएगा। तो sum of the powers of x and y in each term is equal to n, क्या है sum जो है ना powers का, sum of powers of x and y in each term, this is equal to n, है ना। हर term में x और y की powers का sum करोगे ना आप, x और y की पावर्स का आप सम कर लो आप, तो वो कितना आएगा? वो यार n आता है, ठीक है। अच्छा एक बात बता दूं आपको मैं कि हमारी ये जो बाइनोमियल थ्योरम है ना, ये जो बाइनोमियल थ्योरम है, इस बाइनोमियल थ्योरम में ये जो nc0 है, nc1 है, nc2 है, ncn है, इनको यार बाइनोमियल कोफिशियंट्स बोलते हैं। ध्यान से सुनना, क्या बोलते हैं? बाइनोमियल कोफिशियंट्स। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, एक बार वापस से कॉपी कर लेते हैं, x प्लस y की पावर n, ठीक है। तो ये होगी यार, जितनी बार लिखोगे ना यार उतनी बार अच्छा है, जितनी बार आप लिखोगे, तो स्पीड में लिख देता हूं, जितनी बार आप लिखोगे आपका हाथ चलेगा ना
उतनी बार अच्छा। मैथ्स में पता है क्या होता है, हाथ में जादू होता है यार, जितनी बार आपका हैंड जो है ना बार बार उस चीज को लिखेगा ना उतना अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी संकोच नहीं करता हूँ, शर्माता नहीं हूँ, बिल्कुल भी आलसी नहीं रहता हूँ। जितनी बार लिखनी पड़े एक्सप्रेशन, कितनी लंबी हो, मैं हमेशा लिखता हूँ। और यार तुम भी मैथ्स किस माया में खोना चाहते हो तो यार बार बार लिखिए मेरे दोस्तों, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो NC0 है, NC1 है, NC2 है, NCN है, इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, ठीक है। NC0, NC1, NC2 एंड सो ऑन, NCN, इनको क्या बोलेंगे अपन, इनको बोलेंगे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। क्या बोलेंगे? बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, ठीक है ना। और यार ये क्या है, ये टर्म्स हैं, ये आपकी पहली टर्म है बाइनोमियल एक्सपेंशन की। क्या है ये? आपकी पहली टर्म है। पहली टर्म को यार T1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, ठीक है। और यार ये है दूसरी टर्म, ठीक है, इसको T2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी थर्ड टर्म है, ठीक है। ये क्या है? ये टर्म नंबर 3 है, T3 हो गई, ठीक है ना। और मुझे बताएं कि ये कौन से वाली टर्म है ना। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि ये TN है? बच्चे बोलते हैं एकदम से TN है सर ये। अरे भाई TN नहीं है, मैंने अभी तो बताया कि बाइनोमियल में N+1 टर्म्स होती है ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन में N+1 टर्म्स होती हैं। तो यार ये जो होगी ना, ये N+1V टर्म होगी, ठीक है, N+1V टर्म होगी। एक और बात बता दूं आपको, ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है ना, कई बार इनका शॉर्ट नोटेशन भी इस्तेमाल किया जाता है इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। आप इनको यूं भी लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा है, या आप इनको यूं भी लिख सकते हो C0, C1, C2 ऐसे करके CN। अब आप ये बोल रहे होंगे कि यार ये C0, C1, C2, CN ये क्या होते हैं? यार कहने का मतलब ये है, जो आपका NC0 है ना, NC0 को आप C0 भी लिख सकते हो, ये बोल रहा हूँ। शॉर्ट में NC0 को C0 लिख दिया जाता है। कोई C0 लिख दे तो समझ जाना कि NC0 ही लिखा हुआ है, N यहां पे बस उसने लिखा नहीं, समझो छुपाया हुआ है, ठीक है। कोई अगर C1 लिख दे तो समझ जाना NC1 ही है। कोई C2 लिख दे तो समझ जाना NC2 है। कोई अगर CN लिख दे तो समझ जाना NCN है। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कोई बंधु CR लिख दे तो यार समझ जाना वो NCR ही लिख रहा है। CR जो है ये NCR का शॉर्ट नोटेशन है मेरे दोस्तों। बात समझ में आ रही आपको? तो यार ये बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आपको समझ में आ गए, ठीक है। एक चीज मैं और बता देता हूं आपको यहीं पे, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स और कोएफिशिएंट्स ये दो अलग शब्द होते हैं, ये लोगों को मालूम नहीं रहता यहाँ पे, है ना, बड़ा मजा आता है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स और कोएफिशिएंट्स ये दो अलग बातें होती हैं। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये अलग कैसे होती हैं, अभी बता देता हूं। अगर कोई हमको बोले 2+3x4 है, इसको एक्सपेंड करके दिखाओ, तो अभी एक्सपेंड कर देते हैं। 4c0 2 की पावर 4 होगी भाई, और 3x जो है इसकी पावर क्या होगी? 0, ठीक है ना। हमारा जो कैपिटल एक्स है वो 2 है, कैपिटल वाई जो है वो 3x है, ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है जी। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 4c1 2 की पावर 3 हो जाएगी, 3x की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। 4c2 2 की पावर 2 हो जाएगी, 3x की पावर भी 2 हो जाएगी, ठीक है। प्लस 4c3 2 की पावर 1 हो जाएगी, 3x की पावर 3 हो जाएगी। 4c4 2 की पावर 0 हो जाएगी, 3x की पावर 4 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर कोई बोले ना कोफिशेंट और बाइनोमियल कोफिशेंट, यार कोफिशेंट ना एक टर्म में वेरिएबल का कोफिशेंट होता है। क्या होता है? वेरिएबल का होता है कोफिशेंट। अब यहां पे मैं आपसे पूछूं कि कोफिशेंट ऑफ एक्स क्या है, ये सवाल आपसे पूछता हूं। तो कोफिशेंट ऑफ एक्स यार ये पूरा है, ये समझिए आप, ये पूरी कहानी जो है ना ये एक्स का कोफिशेंट है। क्या है? एक्स का कोफिशेंट। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4c1
इंटू टू की पावर थ्री इंटू थ्री, है ना। तो ये हो गया टू इंटू टू इंटू टू, ये टू की पावर थ्री तो एट हो गया, ठीक है। एट इंटू फोर थर्टी टू, और थर्टी टू को जब थ्री से करोगे तो कितना हो गया, नाइन्टी सिक्स, ठीक है, नाइन्टी सिक्स। तो कोफिशियंट ऑफ एक्स कितना हो गया, नाइन्टी सिक्स। मगर अगर मैं बोलूं कि बाइनोमियल कोफिशियंट ऑफ टर्म नंबर टू, अगर मैं बोलता आपको कि बाइनोमियल कोफिशियंट ऑफ टर्म नंबर टू, सेकेंड टर्म का मुझे बाइनोमियल कोफिशियंट बता दो यार आप, तो बाइनोमियल कोफिशियंट सिर्फ फोर सी वन होता। क्या होता, ये बाइनोमियल कोफिशियंट है ना, फोर सी वन। ये सारे जो है ना बाइनोमियल कोफिशियंट बोलो तो ये एनसीआर है, ठीक है, ये बात समझिए आप, ये बाइनोमियल कोफिशियंट है, ठीक है। बाइनोमियल कोफिशियंट एक टर्म का और कोफिशियंट वेरिएबल का, ये दो अलग बातें होती हैं, आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। बाइनोमियल कोफिशियंट तो यार ये NC0, NC1, NC2 एंड सो ऑन NCN, ये बाइनोमियल कोफिशियंट्स हैं, ठीक है। और वेरिएबल का कोफिशियंट बोला जाए तो यार वो एक अलग चीज है, करेक्ट है जी, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यार देखो मूव करते हैं, कुछ और चीजें सीखते हैं, ठीक है। और ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि ये वाला जो कोफिशियंट है ना, ये वाला जो बाइनोमियल कोफिशियंट है, ये पीएनसी में बताया था मैंने, वो इसके इक्वल होता है, ठीक है ना। एनसीआर और एनसीएन माइनस आर बराबर होते हैं, ठीक है। आप अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन में बाइनोमियल कोफिशियंट्स देखोगे तो पहला और आखिरी वाला कोफिशियंट बराबर होते हैं, सेकंड और सेकंड लास्ट बराबर होते हैं, थर्ड और थर्ड लास्ट बराबर होते हैं। ये बात कर रहा हूं मैं बाइनोमियल कोफिशियंट्स की, है ना, कोफिशियंट की नहीं, बाइनोमियल कोफिशियंट्स की। ये जो है ये इसके इक्वल है ना, ये वाला जो है वो इसके इधर वाली टर्म वाले के इक्वल होगा, है ना। तो कुल मिलाकर के मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि बाइनोमियल कोफिशियंट जो होते हैं ना, ये बात लिख दी मैंने, बाइनोमियल कोफिशियंट्स कोफिशियंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फ्रंट एंड एंड From front and are equal। यार ये बात बोलना चाहता हूं मैं, ठीक है, ये मालूम हो जानी चाहिए आपको, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि front और and मतलब आगे से और पीछे से equal distance पे कोई binomial coefficient मिले, मतलब आगे से r distance पे और पीछे से r distance पे कोई binomial coefficient तो मिलेंगे, वो यार बराबर होंगे। कहने का मतलब ये है कि आगे से अगर NCR देखा जाए तो पीछे से NCN-R मिलेगा और यार ये बराबर होंगे। NCR और NCN-R बराबर होते हैं, ये बात PNC में भी आपको सिखाई गई थी, फिर से बाइनोमियल में मैंने बता दी, है ना। फिर से रिपीट कर दूं, बाइनोमियल एक्सपेंशन देख लीजिए, आगे से फर्स्ट और पीछे से फर्स्ट, आगे से सेकेंड पीछे सेकेंड, यार ये बराबर होते हैं। इक्विडिस्टेंट कोफिशिएंट्स ले लिए ना आपने, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आगे से और पीछे से, वो यार इक्वल होंगे, ठीक है। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। मूव करते हैं आगे, देखिए जरा, हमको x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन तो यार अभी एकदम दिमाग में बैठ ही गया होगा। अब मेरे को एक बात बताएं, यार देखिए एक स्पेशल एक्सपेंशन में लिख रहा हूं यहां पे, है ना, 1 प्लस x की पावर n, 1 प्लस x की पावर n, यार ये एक स्पेशल एक्सपेंशन है, 1 प्लस एक्स की पावर एन। मुझे यार बताएं कि 1 प्लस एक्स की पावर एन को एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा। आप बोलेंगे कि NC0 1 की पावर एन एक्स की पावर 0 प्लस NC1 1 की पावर एन माइनस 1 एक्स की पावर 1, ऐसे करते हुए जाएगा एक्सपेंशन। अब यहां पे नोटिस क्या करना है अपने को कि ये जो 1 की पावर एन है ना यार, ये तो 1 ही हो जाएगा, 1 की पावर n माइनस 1 1 होगा, और 1 को तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखिए x की टर्म्स देखने को मिलेंगी बस, ठीक है। और यार x की पावर 0 भी 1 ही होता है, ठीक है ना, तो x की पावर 0 1 होता है, इसको भी यार हटा सकते हैं यहाँ पे, है ना, x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के सीधी सी बात यहाँ पे ये समझ में आ रही है कि ये हो जाएगा NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर
प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब एंड सो ऑन, यू करते करते लास्ट में एन सी एन एक्स की पावर एन। कितना ब्यूटीफुल एक्सपेंशन है ना, वन प्लस एक्स की पावर एन। यार ये एक स्पेशल केस है बाइनोमियल एक्सपेंशन का, मतलब ये खास किस्म का है ना, एक स्पेशल केस है। तो यार इसको अपन याद रखेंगे, क्यों याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सोल्विंग में काफी हेल्प करता है, क्वेश्चन सोल्विंग में काफी हेल्प करता है। तो यार ये याद रखें, वन प्लस एक्स की पावर एन को आप याद रखें एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब एंड सो ऑन टिल एन सी एन एक्स की पावर एन होता है। आपको बता दूं कि अगर वन माइनस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन करेंगे, वन माइनस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन करेंगे तो यार वो कितना होगा, एन सी जीरो मैंने बताया था माइनस एक्स वाली टर्म माइनस की एक्स स्क्वायर वाली प्लस की एक्स क्यूब वाली माइनस की, ऐसे ऑल्टरनेट माइनस प्लस साइन चलते रहेंगे, ऑल्टरनेट माइनस प्लस साइन चलते रहेंगे, लास्ट में हो जाएगा माइनस वन की पावर एन एन सी एन एक्स की पावर एन। ठीक है, जब आपने एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखा, एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखोगे तो यार यहां माइनस एक्स, यहां माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस एक्स रखने पे माइनस एक्स का क्यूब, यहां माइनस ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा, मतलब माइनस प्लस माइनस साइन यार ऐसे चलते जाएंगे। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पे पॉइंट नंबर सिक्स में मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि एकदम आपको 1 प्लस एक्स की पावर n और यार 1 माइनस एक्स की पावर n है ना, ये एकदम अच्छे से आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, 1 प्लस एक्स की पावर n और यार 1 माइनस एक्स की पावर n, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये दो तो अपने को याद हो ही जाएंगे। अब मैंने क्या किया यार, मेरे को एक बात बताओ, ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट, ये इस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किस एक्स के लिए वैलिड है ना। आप बोलेंगे यार हर एक्स के लिए वैलिड है, फॉर्मूले का मतलब होता है कि वो एक्स की हर वैल्यू के लिए है ना, वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए वैलिड होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये एक्स की अगर हर वैल्यू के लिए वैलिड है, अगर मैं इसमें पुट कर दूं एक्स इक्वल टू वन, क्या पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू वन, अगर इसमें आप x इक्वल टू वन पुट करते हो तो वन प्लस वन कितना हो गया, टू की पावर n, वन प्लस वन कितना हो गया, टू की पावर n, ठीक है। और x इक्वल टू वन पुट कर दिया, वन पुट कर दिया, वन पुट कर दिया, तो राइट हैंड साइड कितनी हो गई, अरे यार ये तो बड़ी मस्त हो गई, एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री एंड सो ऑन टिल एन सी एन, बहुत ही शानदार, कितनी हो गई, एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री एंड सो ऑन एन सी एन, क्या पुट कर दे, पुट कर दिया यार x इक्वल टू वन, तो सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल्स कोफिशिएंट निकल के आ गया, सम कितना निकल के आ गया बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का, 2 की पावर n। अगर x इक्वल टू वन पुट करते हो तो ये वाली क्वांटिटी 2 की पावर n हो गई, x की वैल्यू 1 1 1 पुट करते हैं तो ये जो क्वांटिटी है ये कितनी हो गई, ये हो गई nc0 plus nc1 plus nc2 plus nc3 and so on ncn, ठीक है ना, क्योंकि यार ये एक थ्योरम है, ये x की हर वैल्यू के लिए वैलिड है, ठीक है ना, ये x की हर वैल्यू के लिए वैलिड है। तो x इक्वल टू वन पुट कर दिया तो हमें मिला nc0 से लेकर के ncn, ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, इनका सम कितना मिला मेरे को, 2 की पावर n मिल गया। ठीक है यार, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर अगर x इक्वल टू वन पुट करते हैं हम, इसमें भी अगर पुट कर देते हैं x इक्वल टू वन, अगर पुट कर देते हैं तो x इक्वल टू वन पुट किया तो ये कितना हो गया, जीरो हो गया यार। और राइट साइड कितनी होगी x इक्वल टू वन पुट करके, एन सी वन माइ एन सी जीरो है ना, एन सी जीरो माइनस एन सी वन प्लस एन सी टू माइनस एन सी थ्री एंड सो ऑन, यू करते हुए माइनस वन की पावर n एन सी एन। बात समझ में आ रही आपको, ठीक है। अगर मैं x इक्वल टू वन इसके अंदर पुट कर देता हूँ, x इक्वल टू वन पुट कर देता हूँ ना, तो ये जीरो हो गया और यार यहाँ पे देखिए ये हो गया एन सी जीरो माइनस एन सी वन प्लस एन सी टू माइनस एन सी थ्री एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही आपको। तो यार कुल मिला करके अपने को यहाँ पे क्या क्या चीज़ें याद रखनी बता दूँ, एक तो यार ये दोनों याद होनी चाहिए, ठीक है ना, है ना, वन प्लस एक्स की पावर एन और वन माइनस एक्स की पावर एन, वन प्लस एक्स की पावर एन और वन माइनस एक्स की पावर एन के जो एक्सपेंशन हैं ये एकदम अपने को याद हो जाने चाहिए, अच्छे स्टूडेंट्स इनको याद करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम x इक्वल टू वन पुट करते हैं तो यार हमको ये दोनों ही
बातें बाइनोमियल कोफिशियंट्स के बारे में याद होनी चाहिए। इन दोनों बातों को मैं नेक्स्ट पॉइंट में वापस भी लिख दे रहा हूं, दोनों बातों को नेक्स्ट पॉइंट में वापस भी लिख दे रहा हूं, ये ध्यान से सुने, ठीक है। क्या कहा मैंने, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 है ना, टिल NCN, ये 2 की पावर n के इक्वल होता है। सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, क्या है ये, सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स NC0 NC1 NC2 एंड सो ऑन NCN, इन सबको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं दोस्तों। इनका जो सम है वो 2 की पावर n होता है, ठीक है। और ये बात भी समझ में आ गई, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 एंड सो ऑन, है ना, ये कहानी 0 के बराबर होती है। तो यार इसको भी लिख दिया है, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 एंड सो ऑन माइनस 1 की पावर n NCN, ये किसके इक्वल होता है, ये 0 के इक्वल होता है, करेक्ट है जी। ये दो बातें आपको समझ में आ गई हैं, ये दो बातें आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है यार, ये एकदम याद रखने वाली बातें हैं। और ये जो कहानी है ये क्या है, सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब यार ये एक और बात नोटिस करनी है अपने को, यहां से एक बात और नोटिस करनी है, इस क्वांटिटी को ऑब्जर्व करें ना, इसमें कुछ टर्म्स तो माइनस की दिखेंगी आपको, कुछ प्लस की दिखेंगी, है ना। इस क्वांटिटी को अगर अपन ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें से जो प्लस वाली टर्म्स है ना, प्लस वाली टर्म्स है ना, ये वाली हो गई है ना, फिर NC4 हो गई, उनको तो लेफ्ट साइड में रखते हैं, और माइनस वाली टर्म ये हो गई, इनको अगर राइट में लेके जाओगे ना यार, इनको अगर राइट में लेकर के जाओगे ना, तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, अरे ये बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया यार, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया। आप देखिए NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 है ना, ये जो इवन नंबर्स यहां पे लिखे हैं, ठीक है, दिस इज इक्वल टू NC1 प्लस NC3 प्लस NC5, मतलब ये जो ओड लिखे हुए हैं नंबर्स है ना यार, यहाँ पे ये समझना है कि इवन वाले जो ये जो यहाँ पे इवन नंबर्स जिसमें दिख रहे हैं वो वाले जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, और यहाँ पे जो ओड दिख रहे हैं वो वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो हैं उनका सम यार इक्वल होता है। क्या किया मैंने, नेगेटिव में यहाँ पे जो लिखा हुआ ना माइनस NC1 माइनस NC3 यार, इसको मैं राइट में ले गया, ठीक है, तो ये इवन वाले तो यहाँ बचे और ओड वाले राइट में जा करके मालूम चल गया कि जो ओड वालों का जो सम है ना यार, और इवन वालों का जो सम है यार, यार ये बराबर होता है, ठीक है ना। आई होप बात आपको पूरी समझ में आ गई होगी, करेक्ट है। तो ये एक और नेक्स्ट एक फॉर्मूला है, इसको एक फॉर्मूले की तरह आपको याद रखना है, ठीक है, ये याद हो जाएगा, है ना। कुछ कुछ चीज़ें हैं यार माइंड में रह जाती हैं, इतनी सिंपल चीज़ें हैं कि यार ये याद हो ही जाती हैं, ठीक है ना, और आपको ये याद रखनी है, ठीक है। अब जो है एक और खास बात डेवलप करते हैं, है ना, एक और खास बात डेवलप करते हैं। देखिए हमारी ये वाली कहानी है ना, इसको पकड़ते हैं, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 है ना, इसका जो सम है वो 2 की पावर n के बराबर है ना, 2 की पावर n के बराबर है। तो यार उसको वापस कॉपी करते हैं कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 एंड सो ऑन, है ना, सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का जोड़ 2 की पावर n के बराबर है। अब मैंने पता है क्या किया, इसमें ये जो इवन वाले हैं ना, इसको तो अलग ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है, और ये जो ओड वाले हैं ना, इसको अलग ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है, ओड वालों को अलग ब्रैकेट में लिखूंगा, ऑब्वियस सी बात है सम तो 2 की पावर n आएगा। तो यार ये इवन वाले NC0 NC2 NC4 इनको अलग ब्रैकेट में लिखोगे ना, NC0 NC2 NC4 इनको मैंने लिख दिया अलग ब्रैकेट में, और ये जो ओड वाले हैं NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 इनको अलग ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है, ऑब्वियस बात है इनका सम कितना है 2 की पावर n के बराबर है। और यार ये इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि ये जो ब्रैकेट है ना, और ये जो ब्रैकेट है, इन दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू इक्वल है। आप बोलेंगे कैसे हैं, अरे प्रूफ करी तो थी यार, ये जो ये ब्रैकेट जो है ना, ये वाली, ये तो ये क्वांटिटी है, और इस ब्रैकेट में ये वाली क्वांटिटी है, दोनों की वैल्यू मैंने बराबर प्रूफ कर रखी है, ठीक है।
तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो ब्रैकेट है इसकी जगह पे है ना, अब ये क्वांटिटी बोले तो ये ब्रैकेट यूं की यूं रख सकते हो, है ना। तो ये और ये इक्वल है, तो आप क्या बोल सकते हो, आप इस ब्रैकेट की जगह पे यही ब्रैकेट रखोगे तो टू टाइम्स हो जाएगा दिस ब्रैकेट और टू टाइम्स ऑफ दिस ब्रैकेट। ठीक है, मैंने ये ले लिया टू टाइम्स ऑफ दिस ब्रैकेट विल बी इक्वल टू 2 की पावर n, दिस विल बी इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है NC0 प्लस NC2 प्लस NC4, ये जो क्वांटिटी है ना NC0 प्लस NC2 प्लस NC4, ये पूरी क्वांटिटी किसके इक्वल आई, ये आई 2 की पावर n, 2 को नीचे ले गया डिवाइड बाय 2, बोले तो 2 की पावर n-1 के बराबर आ गई। किसके इक्वल आ गई, 2 की पावर n-1 के इक्वल आ गई। अरे समझ में आ रहा है क्या है ना, एल्जेब्रा टाइप का कुछ चल रहा है ना, बोर तो नहीं होगे तुम लोग, है ना यार। भाई देखो कितनी शिद्दत के साथ कर रहा है, तुम भी यार शिद्दत के साथ करो, है ना, बोर नहीं होने का, है ना। कुछ चल रहा होता तो इन्वॉल्व रहो उसके अंदर, ठीक है, समझ में ना आए पॉज करो, पीछे जाओ, वापस देखो, ठीक है ना, इन्वॉल्व रहना यार। हाँ, है ना, दिल से पढ़ाते हैं, ठीक है ना, दिल से पढ़ना, ठीक है। हाँ, तो बात क्या कर रहा था मैं बात क्या कर रहा था कि यार ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी की वैल्यू हमने निकाल दी 2 की पावर n-1, है ना। तो कुल मिलाकर के अपन ने यार इस क्वांटिटी की वैल्यू निकाल दी 2 की पावर n-1, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली यार इसकी भी निकल गई, है ना। पहले तो मैंने ये प्रूफ किया कि ये और ये बराबर होते हैं, उसके बाद ये प्रूफ किया कि ये 2 की पावर n-1 के इक्वल होते हैं। बात समझ में आई आपको? तो कुल मिलाकर के मुद्दे की बात ये है यहाँ पे नोट करने वाली कि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं उनमें यहाँ पे इवन नंबर दिखाई दे, है ना, यहाँ पे इवन नंबर दिखाई दे इनका सम, और ओड नंबर दिखाई दे, है ना, यहाँ पे ओड नंबर दिखाई दे, यहाँ पे ओड नंबर दिखाई दे, है ना, इनका सम इक्वल होता है और ये 2 की पावर n-1 के इक्वल होता है। ये बात आपको नोटिस करनी, किसके इक्वल होता है, 2 की पावर n-1 के इक्वल होता है। यार आपको याद करना है, ये यार ये चीज़ आपको क्या करनी है, याद करनी है, इस बात का ध्यान रखना, याद करना है यार, ठीक है। एक बात जान लीजिए मेरे दोस्तों, लिख दे रहा हूं वापस से, सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू 2 की पावर n, सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है, और सम ऑफ ओड वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट और इवन प्लेसेस वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, सम ऑफ ओड प्लेसेस वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट्स और इवन प्लेसेस वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम आपस में इक्वल होता है और वो 2 की पावर n-1 के इक्वल होता है। बात समझ में आ गई क्या? हाँ जी आ गई, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने खेल किया थोड़ा सा, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के बारे में जाना, बाइनोमियल कोफिशिएंट के सम के बारे में जाना, ओड प्लेसेस पे जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं उनका, इवन प्लेसेस पे जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं उनके सम के बारे में हमने जान लिया है, ठीक है जी। चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो यार ये कहानी अपने को समझ में आ गई, 1 + x^n का खेला अपने को समझ में आ गया, 1 - x^n का खेला भी अपने को समझ में आ गया है, ठीक है जी। मूव करते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 8। यार पॉइंट नंबर 8 में मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि जनरल टर्म क्या होती है बाइनोमियल की, है ना, बाइनोमियल की जनरल टर्म क्या होती है, ये सिखाना चाहता हूँ मैं आपको पॉइंट नंबर 8 में। क्या सिखाना चाहता हूँ आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये पॉइंट यार बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं सिखाना चाहता हूँ जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे यार मैं क्या बात कर रहा हूँ, यार मैं बड़ी मस्त बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूँ जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन की। किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन की। यार मेरा बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है ना x + y^n, उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, x + y^n को जब आप लिखोगे ना तो क्या आता है, ये आता है NC0 x^n y^0, NC1 x^n-1 y^1, NC2 x^n-2 y^2, है ना। और लिख लेता हूँ कुछ टर्म्स,
एन सी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री वाई की पावर थ्री, ठीक है, एंड सो ऑन एन सी एन एक्स की पावर जीरो वाई की पावर एन, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एन सी जीरो है, एन सी वन है, एन सी टू है। मैं अगर आपसे पूछूं यार कि इसकी टेंथ टर्म बताइए, है ना, ध्यान से सुनो मैं क्या पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं यार टेंथ टर्म बताइए इसकी। तो अब देखिए फर्स्ट टर्म में, देखिए आप फर्स्ट टर्म में यहां पे जीरो है, है ना, सेकंड टर्म में यहां पे वन है, है ना, थर्ड टर्म में टू है, फोर्थ में थ्री होगा, तो टेंथ में क्या होगा, नाइन। तो पहले तो ये समझिए एन सी नाइन होगा, ये बात समझनी है। टेंथ वाली में क्या होगा, एन सी नाइन होगा। अगर मैं पूछूं फिफ्टीथ टर्म बताएं मेरे को, तो यार एन सी फोर्टी नाइन होगा, क्या होगा, फोर्टी नाइन होगा। फोर्थ टर्म में देखिए एन सी थ्री है, है ना, फोर्थ टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म में एन सी थ्री है, फिफ्थ में एन सी फोर होगा, सिक्स्थ में एन सी फाइव होगा, सेवंथ में एन सी सिक्स होगा, एट्थ में एन सी सेवन होगा, टेंथ में एन सी नाइन होगा, ठीक है, फिफ्टीथ में एन सी फोर्टी नाइन होगा। ये बात तो क्लियर है। अब देखिए, अब एक बात और समझ में आएगी अपने को कि x की कुछ पावर होगी, y की कुछ पावर होगी, यहां पे भी x की कुछ पावर होगी, y की कुछ पावर होगी, ठीक है ना। अब x की पावर जो है ना, x की पावर n में से माइनस करना होता है जो क्वांटिटी यहां लिखी हो, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जो यहां पे लिखा होता है वही y की पावर होता है, जो यहां पे होता है वही y की पावर होता है। आप देख लें, जो नंबर यहां पे है वही y की पावर है, तो यार जो नंबर यहां है वही y की पावर होगा, है ना। तो यहां पे 9 है तो y की पावर 9, यहां 49 है तो y की पावर 49, और x की पावर होगी n माइनस ये 9 कर दो, यहां पे n माइनस ये 49 कर दो। आप देख लो, ये 3 है तो n माइनस 3 x की पावर है, y की पावर 2 है तो n माइनस 2 y की x की पावर है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो यार एक बात तो क्लियर है कि अपन ना कोई भी टर्म लिख सकते हैं इस बाइनोमियल की। अभी अगर हमसे पूछे ना कि आप 200th टर्म बताइए, मैं अभी बता देता हूं यार। कोई बोले 200 टर्म बताइए, यार आप सोचिए, आप मेरे साथ बोलिए कौन सी होगी 200 टर्म। यार वो होगी एन सी 199 होगी, y की पावर 199 आ जाएगा और x की पावर आ जाएगी n माइनस 199, n माइनस 1, ये होगी 200 टर्म, ठीक है। अगर मैं पूछूं यार r प्लस 1th टर्म पूछिए क्या होगी, यार r प्लस 1th टर्म क्या होगी, तो मैं कहूंगा कि जोन सी भी टर्म निकालना चाहते हो ना आप, उसमें से एक कम कर दो, तो r प्लस वन में से एक कम कर दोगे तो क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, तो ncr है ना। यहां पे भी क्या किया, 10 में से एक कम करके लिखा है ना यार, 50 में से एक कम करके लिखा है ना यार 49, तो r प्लस वन वी टर्म, टर्म नंबर r प्लस वन वी, वो क्या होगी nc, इसमें से एक कम किया ncr हो गया, और y की पावर यों क्यों ये r कर दिया, और x की पावर क्या होती है n माइनस, जो पावर y की है n माइनस r, ठीक है। तो यार ये जो tr प्लस वन मैंने लिखी है ना, टी आर प्लस वन कितनी हो गई, एन सी आर, यहां पे देखिए इसको मैं रब कर दे रहा हूं, है ना। आप ध्यान से देखिए, मैंने लिख दिया अपनी ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करते हुए, है ना, ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करते हुए मैंने लिख दिया टी आर प्लस वन को, किसको लिख दिया, टी आर प्लस वन को। तो टी आर प्लस वन कितनी हो गई, टी आर प्लस वन हो गई एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। आप यहां पे गौर फरमाइए, अगर आप आर इक्वल टू जीरो पुट करेंगे ना इसमें, आप एक बार पुट करके देखें r इक्वल टू जीरो, जब आप r इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो आपको टर्म नंबर वन मिलेगी, टर्म नंबर वन मिलेगी। r इक्वल टू जीरो पुट करें एन सी जीरो, r इक्वल टू जीरो पुट करें x की पावर n, अरे गजब हो गया यार, मिल गई टर्म नंबर वन। r की वैल्यू जीरो पुट करें, r की वैल्यू जब हम जीरो पुट कर देते हैं ना, तो यार टर्म नंबर वन मिल गई, देखिए मस्त मजा आ गया भाई एकदम, r की वैल्यू जीरो पुट करने पे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और क्या पुट करोगे आप, r की वैल्यू एक बार वन पुट करके देखो आप, R की वैल्यू जब वन पुट करोगे ना तो क्या मिल जाएगा, टर्म नंबर टू मिल जाएगी आपको। टर्म नंबर टू कौन सी होगी भाई, R इक्वल टू वन पुट कर दो, R इक्वल टू वन पुट कर दो तो क्या हो गया, एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई की पावर वन। अरे यार शानदार एकदम, है ना। R की वैल्यू टू पुट कर देंगे, टर्म नंबर थ्री मिल जाएगी। R की वैल्यू टू पुट करेंगे तो क्या मिलेगी, टी थ्री मिलेगी ना, टर्म नंबर थ्री मिलेगी। तो ये ऐसा फॉर्मूला है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये ऐसा फॉर्मूला है टी आर प्लस वन का, इसमें r की अलग अलग वैल्यू पुट करके, ध्यान से सुनना, इसमें r की अलग अलग वैल्यूज पुट करके आप अलग अलग टर्म्स निकाल सकते हो, ठीक है। r की वैल्यू जीरो से पुट करना शुरू कीजिए, आप जीरो वन टू थ्री ऐसे पुट करते जाइए r की वैल्यूज को, और आपको नेक्स्ट टर्म्स मिलती चली जाएंगी बाइनोमियल एक्सपेंशन की। बात समझ आ रही है आपको।
तो यार ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, इसको जनरल टर्म फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जनरल टर्म फॉर्मूला, है ना। ऐसा क्यों बोलते हैं? अच्छा ये रब करने की जरूरत नहीं है, ये लिखा रहेगा। यार इसको जनरल टर्म फॉर्मूला बोलते हैं क्योंकि इसमें आर की ना अलग अलग वैल्यू पुट करके आप कोई भी टर्म ले सकते हो बाइनोमियल थ्योरम की। समझ में आ रही बात आपको? कोई भी टर्म ले सकते हो बाइनोमियल थ्योरम की, इसको बोलते हैं जनरल टर्म फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? जनरल टर्म फॉर्मूला। ये यार जनरल टर्म फॉर्मूला है। आप आर की वैल्यू अलग अलग पुट करके अगर जोड़ दोगे तो पूरी बाइनोमियल बन जाएगी। आर की वैल्यू जीरो से लेकर के एन तक आप पुट करते जाओ और उन सबको जोड़ दो, सिग्मा बोले तो जोड़ दो, है ना। मैंने पहले भी लिखा था, वापस लिख रहा हूं, अगर आर की वैल्यू जीरो से एन तक पुट करते जाओगे, अलग अलग टर्म जो मिलेंगी सबको जोड़ दोगे ना, तो क्या बन जाएगा? पूरा बाइनोमियल एक्सपेंशन बन जाएगा यार, पूरा बाइनोमियल एक्सपेंशन बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको जनरल टर्म फॉर्मूला एकदम याद रहेगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, फिर से बोल देता हूं, मैक्सिमम क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर, अभी के अभी याद करें, मेरे साथ गुनगुनाएं, टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू वाई की पावर आर, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होता है। तो यार अभी तक के सफर में जितना भी बाइनोमियल हमने सीखा, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको समझ आ गया है तो यार कमेंट बॉक्स में मुझको कमेंट करके जरूर बताएं, जरूर जरूर बताएं कि क्या आपको समझ आया है या कोई संकोच है कहीं पे, भाई को यार जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, है ना। जैसे प्रॉपर्टी में बता रहा हूँ मुझसे बात करते हुए चलें, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए बताते हुए चलें कि क्या आपको समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, मूव करते हैं आगे। ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 8 हो गई। अब बात करते हैं हमारी 9th पॉइंट की। ठीक है, जनरल टर्म क्या है? टी आर प्लस वन, मैंने आपको बता दी, ये जो फॉर्मूला है टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर इंटू एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर, इसको बोलते हैं जनरल टर्म फॉर्मूला। आई होप आपको बात एकदम समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यार बात करते हैं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, है ना। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ये समझना है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं? क्वेश्चंस में पूछते हैं कि हमको आप टर्म बताइए विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमको टर्म बताइए विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो यार ऐसे क्वेश्चंस में क्या मीनिंग होता है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का? आपको बता दूं, जिस टर्म में एक्स होता ही नहीं उसको बोलते हैं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अब एक्स होता ही नहीं मतलब, देखिए एक बात बताएं मेरे को, एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर, जब इसको आप ओपन करोगे ना तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू वन बाय एक्स, तो कैंसिल हो गया एक्स और एक्स, प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, देखो ये आएगा। ठीक है, जब आप x प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर ओपन करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। इसमें जो सेकंड टर्म है ना, जो सेकंड टर्म है, इस सेकंड टर्म में x बिल्कुल नहीं है, है ना। इसमें देखिए आप x नहीं है, या यूं कह सकते हैं कि इसके अंदर x की पावर जीरो है। क्या है? x की पावर जीरो है। तो ऐसी टर्म जिसमें x की पावर जीरो हो, या यूं कहें एक्स हो ही ना, ऐसी टर्म को बोलते हैं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो इस केस में सेकंड टर्म जो है ना, सेकंड टर्म, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, सेकंड टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑन एक्स, सेकंड टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, सेकंड टर्म जो है ये एक्स से इंडिपेंडेंट है, है ना, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। बात समझ में आ रही है? ये जो सेकंड टर्म है ये एक्स के इंडिपेंडेंट है। तो कुल मिलाकर के यार बात एकदम साफ सी है, कोई पूछे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कौन सी है, तो टर्म विच कंटेन्स लाइक एक्स पावर जीरो, द ओवरऑल पावर ऑफ एक्स इज जीरो, इन इफ ओवरऑल पावर ऑफ एक्स इज जीरो इन एनी टर्म, देन इट इज नोन एज, दिस इज अ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहां पर एक सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूं, इफ ओवरऑल पावर है ना, ओवरऑल पावर समझते हो ना, इंडेक्स, ओवरऑल पावर ऑफ एक्स इज जीरो इन एनी टर्म,
है ना, इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इन एनी टर्म, ठीक है, देन इट इज सेट टू बी, देन इट इज सेट टू बी टर्म इनडिपेंडेंट ऑफ एक्स. तो उसको क्या बोलेंगे कि यार ये जो टर्म है ना, दिस इज इनडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है. देखिए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको क्लियर करता हूँ. देखिए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करता हूँ. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यार. मैंने आपको कहा कि फाइंड द टर्म इनडिपेंडेंट, फाइंड द टर्म इनडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ ध्यान से सुनना, इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x की पावर 60. अरे यार मजा आ गया. एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x की पावर 60, इसका जो एक्सपेंशन करेंगे ना यार, उसमें कौन सी टर्म ऐसी होगी जिसमें एक्स नहीं होगा, मुझे बताएं कौन सी टर्म होगी, और ये भी बताएं कि उसकी वैल्यू क्या होगी, वो टर्म जो है क्या होगी वो टर्म. यार सेशन को पॉज करें, कमेंट करके मुझे बताएं आप खुद सॉल्व कर पा रहे हो गया, ठीक है, जरूर कमेंट करके बताएं. और अगर आपने सॉल्व कर दिया तो यार मजा आ जाएगा कमेंट देख करके, ठीक है. और नहीं सॉल्व हो तो यार सोल्यूशन देखिए. देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं यार कि जिस टर्म में x की ओवरऑल पावर 0 होगी ना, वो होगी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x. और वो कौन सी टर्म होगी वो तो मालूम नहीं मुझको, अभी निकालेंगे. जनरल टर्म बड़ी मस्त होती है ना, जनरल टर्म बड़ी मस्त होती है. वी नो दैट जो tr प्लस 1 होती है ना, tr प्लस 1 बोले तो जनरल टर्म, इस एक्सपेंशन की कोई भी टर्म ले लो आप, r के लिए अलग अलग पुट करके सारी टर्म्स आ जाएंगी, तो जनरल टर्म tr प्लस 1 होगी, वो कितनी होगी, फॉर्मूला तो होता है यार ncr x की पावर n माइनस r y की पावर r, ठीक है. यहां पे n की वैल्यू 60 है, n की वैल्यू कितनी है 60, ठीक है. तो tr प्लस 1 इज इक्वल टू n की वैल्यू 60 है, तो ये हो गई 60 cr, ठीक है. n की वैल्यू 60 डाल दो, है ना, n की वैल्यू 60, और x क्या है, मतलब x की जगह x स्क्वायर है, ठीक है ना, तो x स्क्वायर की पावर हो गई 60 माइनस r, ठीक है. और y कितना है 1/2x, तो y है 1/2x, ठीक है, इसकी पावर हो गई r, ठीक है. तो यार ये इस बाइनोमियल की ना जनरल टर्म ये है, और ये फॉर्मूला था जनरल टर्म का, ठीक है जी. इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई अगर अपन करें तो देखिए 60 सी आर एक्स की पावर देखेंगे तो कितनी है, x की पावर हो गई 120 माइनस 2r, है ना. ये देखिए 2 और 60 माइनस r मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 120 माइनस 2r, और यहां से देखिए ये हो गया 1/2 की पावर r हो गया, है ना, 1/2 की पावर r, और यहां पे x की पावर देखेंगे तो माइनस r हो गई, x की पावर कितनी होगी माइनस r, ठीक है. तो यार tr प्लस 1 को देखेंगे ना आप, तो tr प्लस 1 हो जाएगा 60 cr इंटू 1/2 की पावर r, ठीक है, इसको यहां लिख लेता हूं मैं, 60 cr इंटू 1/2 की पावर r, ठीक है, 60 cr है ना इंटू 1/2 की पावर r, ठीक है, इंटू x की ओवरऑल पावर देखेंगे तो कितनी आ गई, x की ओवरऑल पावर ध्यान से सुनना, x की ओवरऑल पावर 120 माइनस 2r यहां पे है और माइनस r यहां पे है, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 3r, कितना हो जाएगा 120 माइनस 3r, ठीक है ना. अब देखिए आप चाहते हैं कि आपको मिले टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, आप चाहते हैं आपको मिले टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x की पावर 0 हो, x की पावर 0 हो, तो आप चाहते हैं x की पावर को 0 करना, आप क्या चाहते हैं x की पावर को 0 करना, ठीक है. सो इफ यू वॉन्ट टू गेट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, देन द पावर ऑफ x मस्ट बी 0, पावर ऑफ x 0 होनी चाहिए, 120 माइनस 3r, hence 120 माइनस 3r मस्ट बी इक्वल टू 0, दिस मस्ट बी 0 फॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, फॉर द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ x. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मतलब 120 माइनस 3r इक्वल टू 0, यहां से अगर r निकालोगे तो कितना आ गया, 120 बाई 3 40 आ गया,
आर इक्वल टू 40 का मीनिंग पता है क्या है? ये जो आर इक्वल टू 40 आया है ना, इस आर इक्वल टू 40 को पुट करके देखोगे ना यहाँ पे, तो 40 प्लस 1 41, तो टर्म नंबर जो 41 आएगी ना, ध्यान से सुनना, जो टर्म नंबर 41 आएगी ना, आर की वैल्यू क्या पुट कर दी अपन ने, आर की वैल्यू 40 पुट कर दी यहाँ पे, तो टर्म नंबर जो 41 आएगी ना यार, वो होगी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। और कितनी होगी वो, आर की वैल्यू 40 रख दो यहाँ पे, आर की वैल्यू 40 रख दो, टी 41 हो गया, यहाँ आर की वैल्यू 40 रखोगे तो 60C40 कितना हो गया, 60C40 इंटू 1/2 की पावर, आर की वैल्यू 40 रख दो, 1/2 की पावर 40, और ये तो x की पावर, r की वैल्यू 40 रखते हैं, x की पावर 0 हो जाएगी, मतलब ये तो खत्म हो जाएगी, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 की पावर 40, तो यहाँ पे हो गया 1/2 की पावर 40। आप देख लें, मैंने 41th टर्म निकाल दी है, उसमें कहीं पे भी x मौजूद नहीं है। तो यार ये समझ में आ गया कि हमारा ये जो एक्सपेंशन था ना, इस एक्सपेंशन में टोटल टर्म्स कितनी थी, पावर अगर 60 है ना, तो टोटल टर्म्स 61 होती है, n प्लस 1 होती है, तो 61 टर्म्स में जो 41 नंबर वाले जो टर्म है ना, जो 41th प्लेस पे आएगी, वो होगी हमारी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो आई होप यार आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का फंडा एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और यार टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालने के लिए ना, जनरल टर्म के फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बता भी दिया, क्लियर है जी। तो जनरल टर्म समझ में आ गया, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स अपने को समझ में आ गया। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार बात समझ में आ गया, तो है ना, आगे मूव करते हैं। ठीक है, नौ पॉइंट हो चुके हैं हमारे, आगे बात करते हैं 10th पॉइंट की, है ना। 10th पॉइंट भी यार बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, मिडल टर्म निकालना सीखते हैं, क्या सीखते हैं, मिडल टर्म निकालना। ठीक है, आइए सीखते हैं कि मिडल टर्म कैसे निकाले जाए, मिडल टर्म, आइए समझते हैं कि यार मिडल टर्म कैसे निकाले जाए। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसमें सेकंड नंबर वाली टर्म मिडल टर्म है, टर्म नंबर 2 क्या है, इसमें मिडल है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर x प्लस वाई की पावर 3 करें ना, तो एक्स क्यूब प्लस 3xy + 3xy² + y³, इसमें अगर आप देखेंगे तो दो मिडल टर्म्स हैं, है ना, इसमें अगर आप देखेंगे तो कितनी मिडल टर्म्स हैं, दो मिडल टर्म्स हैं, क्योंकि जब टर्म्स टोटल ही 3 है ना, तो सेकंड मिडल टर्म आएगी, बीच की टर्म सिर्फ 1 है सेकंड वाली। ठीक है, मगर जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, तो कोई एक टर्म मिडल नहीं होगी, यहाँ पे 2 टर्म्स मिडल हैं। पहले तो ये समझना होगा कि पावर, अगर पावर इवन हो तो मिडल टर्म एक ही होती है, क्या होती है, एक ही होती है, और पावर अगर ओड हो, पावर अगर ओड हो तो मिडल टर्म्स 2 होती हैं। कौन कौन सी है यहाँ पे, यहाँ पे टर्म नंबर 2 एंड टर्म नंबर 3, ये मिडल टर्म्स हैं। ठीक है, मुझे यार एक बात बताइए आप, अगर मान लो x प्लस वाई की पावर 9 हो और x प्लस वाई की पावर 10 हो, तो इसमें कौन सी टर्म मिडल होगी और इसमें कौन सी टर्म मिडल होगी। तो यार मैं कहूंगा कि ये इवन पावर है, इसमें एक ही टर्म मिडल होगी, है ना, क्योंकि इसमें टोटल टर्म 11 आएंगी, कौन सी आएंगी, 11, तो 11 टर्म्स आएंगी, 5 इस तरफ छोड़ दो, 5 इस तरफ छोड़ दो, तो 6th जो टर्म होगी ना, बीच की जो टर्म होगी, वो क्या होगी, मिडल टर्म होगी। तो इसमें यार 6th टर्म मिडल होगी, क्योंकि जब 11 टर्म्स होती ना, तो 5 इधर छोड़ दी, 5 पीछे छोड़ दी, तो बीच की टर्म 6th टर्म है, वो हमारी मिडल टर्म होगी। ठीक है, और यार देखिए, पावर अगर 9 है तो टोटल 10 टर्म्स होंगी, कितनी होंगी, 10 टर्म्स, तो जब 10 टर्म्स होंगी, 4 इधर छोड़ दी, 4 इधर छोड़ दी, 8, और ये बीच में ये होगी 2 मिडल टर्म्स। ठीक है, तो 5th और 6th मिडल टर्म होगी, यहाँ पे बात करें ना अपन, तो यहाँ पे टर्म नंबर 5th और टर्म नंबर 6th 2 मिडल टर्म होंगी। ठीक है, तो ये बात अपने को समझनी है, पावर ओड है तो 2 टर्म्स मिडल होंगी, और पावर इवन है ना तो एक ही टर्म मिडल होगी। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं इन जनरल बात कर रहे हैं मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, अपन बात कर रहे हैं मिडल टर्म इन द
इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई पावर एन, है ना, एक्स प्लस वाई पावर एन के एक्सपेंशन में मिडिल टर्म की बात कर रहे हैं। तो यार मिडिल टर्म डिपेंड करेगी, मिडिल टर्म डिपेंड करेगी एन की वैल्यू इवन है कि ओड है, ठीक है ना। अगर एन की वैल्यू इवन है, इफ एन इज इवन, तो यहां पे देख सकते हो एक ही मिडिल टर्म आएगी, बात समझ में आ रही है। और अगर एन ओड है ना, अगर एन ओड है तो आप देख सकते हो यार दो टर्म्स होंगी जो मिडिल टर्म आएंगी, है ना, फिफ्थ और सिक्स्थ दो टर्म्स होंगी मिडिल टर्म आएंगी, ठीक है। अब यहां समझने वाली बात यह है, जब एन की वैल्यू इवन है, टेन जैसे इवन है, तो मिडिल टर्म निकालनी हो ना, देखो टेन का आधा करो और उसमें एक जोड़ दो, मतलब 10 का आधा कितना हो गया, 5 प्लस 1, सिक्स्थ टर्म मिडिल होगी, है ना, मस्त, है ना। अगर मान लो x प्लस y की पावर 20 हो ना, x प्लस y की पावर 20 है, तो आप इजीली देख सकते हैं x प्लस y की पावर 20 है ना, तो टोटल टर्म्स 21 होंगी, 21 होंगी, 10 इधर छोड़ी, 10 इधर छोड़ी, तो 11th टर्म जो बीच वाली है ना वो मिडिल होगी। और 11th कैसे मिलेगी अपने को, 20 का आधा कर दो, है ना, और उसमें फिर अगली जो टर्म होगी वो मिडिल हो जाएगी, है ना। जब 21 टर्म्स है ना, तो 20 का आधा 10 हो गया, और 10 के बाद 11th जो होगी वो क्या होगी, मिडिल टर्म होगी, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू इवन है ना, तो मैं बता रहा हूं आपको n का आधा कर दो और उससे नेक्स्ट वाली टर्म मिडिल टर्म मिल जाएगी, उससे नेक्स्ट वाली टर्म मिडिल टर्म मिल जाएगी, ठीक है, ये क्लियर हो गया अपने को। अब अगर n की वैल्यू ओड है, n की वैल्यू ओड है, जैसे यहां पे देखिए, यहां पे देखिए n की वैल्यू अपनी ओड है, ठीक है, n की वैल्यू ओड है, तो 10 टर्म्स होंगी यहां पे, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, टर्म नंबर 4, टर्म नंबर 5, टर्म नंबर 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो अपने को देखिए यहां पे दो टर्म्स मिडल आई, ठीक है, तो क्या करो ना, 9 है ना, तो 9 में 1 जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दिए, फिफ्थ टर्म मिडल होगी, और फिर उसके नेक्स्ट सिक्स्थ मिडल होगी, ठीक है। मतलब अगर मैं पूछूं कि x प्लस y की पावर 13 में कौन सी मिडल होगी, तो 13 प्लस 1 कितना हो गया, 14 बाय 2, 7 हो गया, तो 7th टर्म और फिर उससे नेक्स्ट 8th टर्म, ये दो टर्म मिडल हो जाएंगी, बात समझ में आ रही कि नहीं, 7th और 8th दो टर्म क्या हो जाएंगी, मिडल हो जाएंगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात सीधी सी है, अगर n ओड है ना यार, अगर n ओड है तो क्या करो आप, प्लस 1 कर दो, है ना, और फिर 2 से डिवाइड कर दो, है ना, ये ऑब्जर्वेशन से हमने ये पिक कर ली बात कि इफ एन इज ओड देन टर्म नंबर एन प्लस 1 बाय 2 एंड एन प्लस 1 बाय 2 से एक नेक्स्ट, है ना बोथ विल बी मिडिल टर्म्स, दोनों हमारी मिडिल टर्म्स होंगी। अरे बात समझ में आ रही है क्या यार, है ना, समझ में आ ही रही होगी, दोनों मिडिल टर्म्स होंगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर एलसीएम ले लेंगे ना यार अपन, यहाँ पे एलसीएम 2 ले लेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हटा देता हूँ मैं, एलसीएम लोगे ना तो ये हो जाएगा हमारा 3, है ना। अब ये मत समझना कैसे लिखा मैंने, एन प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 है ना यार, एलसीएम ले लो ना, एन प्लस 1 ये 2 को लोगे ना तो एन प्लस 3 बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अपन बोल सकते हैं कि टर्म नंबर एन प्लस 2 एंड टर्म नंबर एन प्लस टर्म नंबर n plus 1 by 2 and टर्म नंबर n plus 3 by 2, ये दोनों क्या होंगे, मिडिल टर्म होंगी। तो यार यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्या याद करना है आपको, अपने को यार ये याद करना है कि n की वैल्यू इवन हो तो ये फॉर्मूला है मिडिल टर्म का, ठीक है। मुद्दे की बात करते हैं सीधा, जिससे ना एग्जाम में सवाल होने वाला है। और यार n की वैल्यू अगर ओड हो तो ये मिडिल टर्म का फॉर्मूला है ना, ये बता रहा हूँ बस मैं कुल मिला के आपको, है ना। n की वैल्यू अगर ओड है तब तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला ये है, और n की वैल्यू अगर इवन है तब मिडिल टर्म का फॉर्मूला ये है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात आपको, है ना यार। ये फॉर्मूला जो है बार बार देखने का मन कर रहा है, देख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, एकदम भन्नाट तरीके से, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। यार मुझसे भी जब क्या होता था ना, बचपन की बातें याद आ जाती कई बार, मैथ्स जब कई बार नहीं होता था ना सोल्व, तो मैं क्या करता था, जैसे अभी समझ में नहीं आ रहा तो मैं छोड़ता नहीं था उसको, थोड़े से टाइम के बाद वापस देखता था मैं, जैसे मॉर्निंग में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मैं इवनिंग में देखता था, अब जब इवनिंग में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो फिर मैं एकदम फ्रेश सुबह उठ के देखता था, तो मुझे समझ में आ जाती थी। और हमें तो कोई पढ़ाने वाला था ही नहीं यार,
है ना, मतलब बड़े बुरे दिन थे। मुझे कभी कोई समझ आने वाला कोई टीचर मिला नहीं कभी, है ना, जो मुझे समझा सके। तो मैं तो सिर्फ बुक से स्ट्रगल करके सीखा हुआ हूँ, है ना, जितना भी सीखा है ना मैंने खुद ही सीखा है। और आप लोगों के पास तो यार कोशिश करते हैं हम लोग कि पूरा एकदम सीधे बैठा दें दिमाग में, ठीक है। तो यार कहने का मेरा मतलब यार भाई की बात ध्यान रखना कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो ना यार, टेंशन मत लेना। आप क्या करो कि उसको अगर अभी समझ में नहीं आ रही तो कोशिश करो समझने की, फिर भी नहीं हो रहा ना होल्ड कर दो, ठीक है, कि छोड़ो यार एक बार के लिए। फिर कुछ समय के बाद वापस ट्राई करो, कुछ समय का ये मतलब नहीं 6 महीने बाद ट्राई करोगे आप, सुबह की बात शाम को ट्राई करो, शाम की अगले सुबह ट्राई करो। ऐसे अगर ट्राई करते रहे ना यार मज़ा आ जाएगा, फिर तो एकदम समझ में आना ही आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो यार ये वाली मिडिल टर्म होगी अगर एन इवन है तो, और यार ये दोनों मिडिल टर्म्स होंगी अगर एन ओड है तो, ठीक है ना। बात एकदम ध्यान रखना, सारी बातें कड़क बोलता हूँ मैं। तो यार ये मिडिल टर्म का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यहाँ पे अपन ने इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाली टर्म भी सीख ली थी कैसे निकालते हैं, बट ये तीन बड़ी खास चीज़ें हैं। जनरल टर्म, ठीक है, जनरल टर्म हो गई अपनी। ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना यार, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ये निकालना आ गया अपने को एकदम मस्त, ठीक है। मिडिल टर्म निकालना आ गया अपने को एकदम भन्नाट तरीके से, ठीक है, है ना। मिडिल टर्म का फॉर्मूला अपने को समझ में आ गया, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई आपसे पूछे, है ना, एक क्वेश्चन कोई पूछ ले, जैसे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, है ना, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं अपन। मान लो कोई अपन से पूछता है फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस 1/x² की पावर 100, है ना। कोई बोलता है कि यार इसके एक्सपेंशन में हमको आप मिडिल टर्म बता दो, तो हम सबसे पहले तो बोलेंगे यार n इवन है मेरा, ठीक है। सबसे पहले बोलेंगे मिडिल टर्म होगी कौन सी, n इवन कितना 100/2, है ना, n बाई टू प्लस 1, ये कितना हो गया 50+1 51th, t 51th विल बी मिडिल। सबसे पहले तो ये बात लिखेंगे अपन, ये बात समझेंगे अपन कि यार 51th टर्म जो होगी ना वो मिडिल टर्म होगी। अब बात उठती है कि 51th टर्म को निकालें कैसे, है ना। हमें tr+1 का फॉर्मूला मालूम है, वो होता है ncr x की पावर n माइनस r y की पावर r। अगर इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करें ना तो n की वैल्यू कितनी दी हुई है 100, ठीक है, तो ये हो गया 100 cr, है ना। x की जगह अपने को x ही लिखा हुआ ना, x की पावर n की जगह 100 पुट करा, ठीक है। y कितना है 1/x², है ना, 1/x² की पावर r हो गया। तो यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा है tr+1 जो है हमारा वो हो गया 100 cr एक्स की पावर 100 - r इंटू 1/x की पावर, यहाँ पे देख लो 2r हो गया। मेरे को मालूम है कि t51 हमारी मिडिल टर्म होगी, तो t51 ही निकालने के लिए बोला ना इसने, बोला मिडिल टर्म निकालो, तो मिडिल टर्म मालूम है 51th टर्म है, तो 51th टर्म निकालनी है अपने को। तो इस फॉर्मूला में ना tr+1 के फॉर्मूला में कितना पुट करें कि हमारा काम चल जाए, यार 50 पुट करोगे ना, 50 पुट करोगे तो 51th टर्म निकल जाएगी, वही निकालनी है क्योंकि वही मिडिल है। तो 50 पुट करेंगे ना r की जगह पे, ये दो r की जगह 50 पुट कर दिया, ठीक है, r की जगह 50 पुट कर दिया, तो x की पावर कितनी होगी यहाँ पे, यहाँ से तो 50 होगी, और r की जगह 50 पुट कर दिया तो यहाँ से x की पावर होगी -100, ठीक है। तो यार जो मिडिल टर्म होगी इसकी वो होगी 51th टर्म होगी, दैट विल बी 100 c 50 और x की पावर -50, ठीक है आंसर। तो इस तरीके से यार अपन मिडिल टर्म निकाल सकते हैं, करेक्ट है। एक और बात बताता हूँ यार आपको मैं, है ना, एक और बात बताता हूँ, है ना, लास्ट पॉइंट, ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या, ध्यान से सुनिए। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, एक लाइन में ना 10 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है ना, कितने लोग हैं 10 लोग हैं, है ना, पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 2, पर्सन नंबर 3, पर्सन नंबर 4, पर्सन नंबर 5, पर्सन नंबर 6, पर्सन नंबर 7, पर्सन नंबर 8, पर्सन नंबर 9, पर्सन नंबर 10, ठीक है, 10 लोग खड़े हुए हैं। मुझे एक बात बताइए, आगे से 5th पोजीशन पे जो है, आगे से 4th पोजीशन पे जो है, आगे से 4th पोजीशन पे जो है, एकदम तुरंत बताना जरा दिमाग में सोच के, आगे से 4th पोजीशन पे है वो पीछे से कौन सी पोजीशन पे है। ऐसा लगता है ना कि 6th पोजीशन पे है। देखो 10 लोग खड़े हुए हैं ना, उधर मत देखना बोर्ड पे, आप दिमाग में सोचो 10 लोग खड़े हुए हैं,
आगे से जो फोर्थ पोजीशन पे है वो पीछे से कौन सी पोजीशन पे होगा, पीछे से काउंट करें तो वो आप ऐसा कर दोगे 10-4 ऐसे कर देते हैं लोग, सिक्स कर देते हैं यार, गलत हो जाता है वो। जो आगे से फोर्थ पे है ना वो पीछे से सेवंथ पोजीशन पे होता है। आप चेक कर लो आगे से फोर्थ पे कौन है, पी फोर, पीछे से 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेवंथ पोजीशन पे होता है। ये बात समझनी है, मतलब टोटल जितने लोग खड़े हुए हैं ना माइनस में, आगे से ये फोर्थ पे है तो पीछे से काउंट करना है तो 10-4+1 ऐसे करना पड़ता है, 10-4+1 पीछे से सेवंथ पोजीशन पे होगा। ये बात अपनी अपने को समझनी है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यार ये। मैं ये कहना चाहता हूं आपको, यहां से देखिए एक बात समझाना चाहता हूं मैं आपको कि मान लो देर आर एन पीपल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, देर आर एन पीपल इन अ स्ट्रेट लाइन है ना, यहां पे 1, 2, 3, 4 देर आर एन पीपल इन अ स्ट्रेट लाइन, कितने लोग हैं, एन लोग हैं। फ्रंट से देखा ना, मतलब आगे से देखा, बिगिनिंग से देखा, फ्रंट नहीं बिगिनिंग से देखा है ना, बिगिनिंग से देखा तो आरएथ पोजीशन पे जो है ना बंदा, आरएथ पोजीशन पे जो बंदा है वो पीछे से देखने पे कौन सी पोजीशन पे नजर आएगा, मतलब कौन सी पोजीशन पे मिलेगा आपको, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने भी बताया एन माइनस आर करके प्लस वन करेगा, एन माइनस आर करके प्लस वन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यार मेरे को एक बात बताओ, एक बाइनोमियल थ्योरम की बात करें अगर हम, एक्स प्लस वाई की पावर एन की बात करें, इन द एक्सपेंशन ऑफ अगर हम बात करें एक्स प्लस वाई की पावर एन की एक्सपेंशन की, इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई की पावर एन द आरथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, द आरथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग मतलब आगे से जो आरथ टर्म है वो पीछे से कौन से नंबर की टर्म होगी, ये समझना है। आगे से जो आरथ टर्म है, पहले तो मुझको एक बात बताओ कि x प्लस वाई की पावर n के एक्सपेंशन में टोटल कितनी टर्म्स होंगी, n प्लस वन टर्म्स होंगी, कितनी होंगी, n प्लस वन, ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, थर्ड, फोर्थ है ना, टर्म नंबर वन, टर्म नंबर टू, टर्म नंबर थ्री, टर्म नंबर फोर्थ करते करते टोटल n प्लस वन टर्म्स होंगी। तो आगे से जो आरथ टर्म होगी ना वो पीछे से कौन सी टर्म होगी, या टोटल टर्म्स कितनी है, n प्लस वन है, आगे से आरथ तो माइनस आर प्लस वन कर देते हैं, पीछे से निकल के आ जाएगी, ये हो जाएगी एन माइनस आर प्लस टू। यार ये थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना आप, बाइनोमियल में आगे से जो आरथ टर्म होती है ना, आगे से जो आरथ टर्म होती है एक्स प्लस वाई की पावर एन के एक्सपेंशन में, वो पीछे से एन माइनस आर प्लस टूथ पोजिशन पे होती है, ठीक है ना, दिस इज एन माइनस आर प्लस टूथ टर्म, एन माइनस आर प्लस टूथ टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से ये एन माइनस आर प्लस टूथ टर्म होगी। बात समझ में आ रही है आपको, कहने का मतलब ये है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन एक्स प्लस वाई की पावर एन की बात करें तो यार उसमें आगे से आरथ टर्म पीछे से एन माइनस आर प्लस टूथ टर्म होगी, ये समझना है अपने को। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन ले लें, मान लो x प्लस वाई की पावर ले ली मैंने 58 है ना, x प्लस वाई की पावर 58 ले ली, ठीक है, इसमें rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग की बात करें ना, या मैं कहता हूं कि 15th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग पीछे से कौन से नंबर पे पड़ेगी, तो यार वो पड़ेगी 58 माइनस 15 प्लस 2 है ना, तो 45th टर्म फ्रॉम एंड, मतलब पीछे से 45th पोजीशन पे पड़ेगी, ठीक है ना, आगे से 15th टर्म पीछे से 45th पोजीशन पे पड़ेगी, कितने पड़ेगी, 45th पोजीशन पे पड़ेगी, ठीक है ना। यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना, आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन यार मैं होमवर्क में दे रहा हूं,
है ना, देखते हैं कितने लोग करेंगे, और इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में 100% डिस्कस करूंगा, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन क्या है, है ना, कई दिन के बाद मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। वापस ट्रैक पे आते हैं, होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन ये दे रहा हूं मैं, फाइंड द कोफिशियंट ऑफ, क्वेश्चन समझना आप, और उसके बाद फिर जो है ना इसको अच्छे से अटेम्प्ट करना, फाइंड द कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स की पावर 4 का कोफिशियंट बताना आपको, किस एक्सपेंशन में, एक्स प्लस 1/x की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 2/x² की पावर 10। ये क्वेश्चन है, फाइंड द कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस 1/x की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 2/x² की पावर 10। यार ये होमवर्क क्वेश्चन अगर आप कर लो, इसका सोल्यूशन जी ड्राइव पे अपलोड करके लिंक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट टाइम पे मैं होमवर्क तो डिस्कस करूंगा ही, ये भी कोशिश करूंगा कि जो भी कमेंट्स पिछले कुछ समय में लुभावने आए हैं और इस होमवर्क क्वेश्चन के जो सोल्यूशन के जो कमेंट्स होंगे, मैं यार उनको आपसे रूबरू करवाऊँ और अप्रिशिएट करूँ, कमेंट शेयर करूँ, कुछ नाम अनाउंस करूँ, ऐसी मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो यार एकदम बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर के सारे बेसिक्स हमने सीख लिए हैं, ठीक है। जो हमारी अभ्यास सीरीज है, अभ्यास सीरीज में बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर के क्वेश्चंस आपको करवा दिए जाएंगे, वहाँ पे आप क्वेश्चंस करें और सीख लें यार क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे करते हैं बाइनोमियल थ्योरम में, ठीक है। कॉन्सेप्ट सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। आज के सेशन में इतना ही, जैसा कि हम एक लंबी मुस्कान के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं, तो आज तो एक बहुत लंबी मुस्कान के साथ इस सेशन को फिनिश करेंगे, चोकर वाली मुस्कान, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बाइनोमियल करते रहें। बाइनोमियल थी एक दीवानी सी, PNC पे वो मरती थी, क्यों मरती थी समझ में आ गया होगा। बाय बाय, टेक केयर, फिर से मुलाकात होगी। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।